This is the property to get fit in the crystal lattice. To get fit in the crystal lattice. देखो जनरली जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा बट जब फिट इन क्रिस्टल लैटिक्स जैसे हमने बेटे बॉइलिंग पॉइंट की बात करी कि विद इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नो डाउट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा क्योंकि मोलर मास इंक्रीज करेगा मगर जब आइसोमर्स की बात आई तो हमने ये कहा कि जितना सरफेस एरिया कम होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा ये बॉइलिंग पॉइंट का क्राइटेरिया था। अब जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं देखो आपके पास एक बटर है पहले वो मेल्ट होगा उसके बाद वो बॉयल होगा। मेल्ट कौन सा बटर नहीं जल्दी होगा जो एक बॉक्स में अच्छे से फिट है उसको क्योंकि निकालने में भी टाइम लगेगा। ठीक है जो चीज एक बॉक्स में फिट होगी घर पे एक ब्लॉक कोई चीज आपने मेल्ट करनी है तो आपको पहले उस चीज में से निकालोगे जिस चीज को एक फिटेड चीज में से निकालने को जितना टाइम लगेगा उतना उसको मेल्ट करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है नो डाउट मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है बेटे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं होना भी चाहिए क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे मोलर मास बढ़ेगा जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा टाइम लगेगा आपको मेल्ट करने में। ठीक है एज द मास इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट शुड इंक्रीज बिल्कुल सही बात है कोई नहीं है जितना बड़ा ब्लॉक होगा बटर का उतना हमें ज्यादा टाइम लगेगा मेल्ट करने में जितना ब्लॉक छोटा होगा उतना हमें कम टाइम लगेगा इट इज बट ऑब्वियस। तो जैसे जैसे कार्बन हमने कहा भी है कि फर्स्ट फोर गैसेस होते हैं अप टू 17 लिक्विड होते हैं 17 के बाद सॉलिड्स होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि जब आप कार्बन एटम बढ़ाते जाओगे मोलर मास बढ़ता जाएगा वो गैस से लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाएंगे तो वैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है सिंपल है बट ये देखा गया है बेटे जैसे ही ऑड से इवन नंबर में जाते हो तो ये जो गैप है मेल्टिंग पॉइंट का बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन C6H14 का मेल्टिंग पॉइंट है 179 राइट डाउन 179 केल्विन। अब नेक्स्ट मेंबर क्या आ जाएगा C7 राइट डाउन C7H16 तो इसका मोलर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 182.6। नेक्स्ट का लिखो C8H18 इसका बेटे है 216.2। यू डोंट हैव टू रिमेम्बराइज द मेल्टिंग पॉइंट जस्ट दिस इज एन एग्जाम्पल। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि वाई इवन नंबर द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द ओड नंबर। No one will be asking you the value of the melting point. ठीक है अब ये देखो हम once even था even से odd की तरफ गए तो 179 से 182 गया means तकरीबन हम कह दें 3.6 बढ़ा मगर 1.2 से गए 12.6 की तरफ बढ़ा मतलब ये बहुत ज्यादा गैप है means हम अगर even से odd की तरफ जाते हैं फिर odd से दोबारा even की तरफ जाते हैं तो इवन का हम देख रहे हैं ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू ऑड यही देख रहे हैं। अब बनाने को तो हम बेटे स्ट्रेट चेन बनाते हैं अब बनाने को तो मॉलिक्यूल्स आप ऐसे ही बनाते हो कि ये कार्बन लग गए हैं ठीक है मगर ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप नहीं हो सकते तो हम एक बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला भी बनाते हैं ऐसे वाला क्योंकि कार्बन की दूरी भी तो होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है सीधे सीधे बेटे जो भी आप सीधे स्ट्रक्चर फॉर्मूला लगा वो अपने कन्वीनियंट के लिए हम बना रहे हैं वो ऐसे नहीं एग्जिस्ट करते दैट इज फॉर अस अवर कन्वीनियंट ओनली। सीधी चेन में लगा दिया तो ये तो 3D है 2D तो है ही नहीं है
ये है ही 3D स्ट्रक्चर सारे, आपने क्वांटम पढ़ ली है, अब आप ऑर्बिट के कंसेप्ट से वर्क ही नहीं कर रहे हो, आप ऑर्बिटल में पहुंच चुके हो, तो ऑर्बिटल कभी भी 2D नहीं हो सकते। वैसे जो स्ट्रक्चर हैं वो 2D नहीं होते हैं, वो 3D होते हैं, मगर हम अपनी कन्वीनियंट के लिए जो नोटबुक पे फॉर्मूलाज लिखते हैं वो 2D लिखते हैं। समझ आ रही? अब मीथेन है जिसमें मैंने कार्बन पकड़ी, ये कार्बन है, अगर 3D में लेके जाऊं तो ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, ये है 3D। हमारी कन्वीनियंटली अब तो C के साथ चार बॉन्ड लगा देते हैं, ये CH4 लिख देते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं, वो जो राइट कर रहे हैं दिस इज फॉर आर कन्वीनियंट ओनली, ठीक है, अदरवाइज द फॉर्मूलाज आर 3D नॉट 2D। ठीक, इन द सेम मैनर कार्बन कभी सीधे नहीं लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब ओवरलैप करते हैं तो एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे होते हैं, तो आपने पढ़ लिया है जब आप हाइब्रिडाइजेशन करते हो कि वो इतनी दूरी पे रहना चाहते हैं कि मिनिमम रिपल्शन हो, ऐसे ही ना, तो कार्बन एटम सीधे सीधे लगेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगी, कार्बन एटम थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करके लगा होगा तो रिपल्शन कम होगी। समझ आ रही है? एक एक स्टूडेंट यहाँ बैठा तो एक उधर बैठा है, फिर एक इधर बैठा है, फिर उधर बैठे हैं, तो स्पेस मिल गई ना बीच में हाइड्रोजन को भी, ऐसे तो हाइड्रोजन बहुत सारे बीच बीच में लगे होंगे। ठीक है, तो हम जब मेल्टिंग पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं तो इसी फॉर्मूला से एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब ऐसे अरेंज हुए तो एक कार्बन एटम इस एज पे आया और एक कार्बन एटम इस एज पे आया, जैसे ट्रांस में होता है। ठीक है, जब हमने ऐसे किए तो कितने हैं ये? 5। तो ये आसपास है, ठीक है, अब ये बोर्ड में ये दोनों कार्बन बहुत दूर लग रहे हैं, लग रहे हैं ना, बहुत दूर हैं, पर एक्चुअली एटम्स तो बहुत छोटे हैं, छोटे हैं ना एक्चुअली, इतने इतने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े बॉन्ड्स भी नहीं है बीच में। ठीक है, एटम तो बहुत ही छोटे, हम पढ़ चुके हैं कितने मिलियन ट्रिलियंस ऑफ एटम कंबाइन होके थिकनेस ऑफ पेपर बनता है। तो जब एक कार्बन इस एज पे होगा और इसी एज पे दूसरा होगा, वो रिपेल ज्यादा करेगा, उसकी क्रिस्टलैटिक्स में फिटनेस कम होगी। जब एक कार्बन इस एज पे होगा और दूसरा कार्बन उस एज पे होगा तो रिपल्शन कम हो जाएगी, तो फिटनेस क्रिस्टलैटिक्स में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं तो वो क्रिस्टलैटिक्स में ज्यादा फिट होते हैं एज कंपेयर टू ऑड नंबर ऑफ, क्योंकि हम इवन नंबर में देख रहे हैं जो कार्बन एटम है वो डिफरेंट एजेस पे जा रहे हैं। ठीक है, इन द ऑड नंबर कार्बन एटम डिफरेंट एजेस पे नहीं है, देखो, तो ये क्रिस्टल लैटिक्स में अच्छे से फिट नहीं होते। तो आपका आंसर आता है बिकॉज इन इवन नंबर द कार्बन एटम्स या मॉलिक्यूल फिट इन द क्रिस्टल लैटिक्स, इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम द मॉलिक्यूल डजंट फिट इन द क्रिस्टल लैटिक्स, सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल विच हैव ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम इज लेस एज कंपेयर टू इवन। जब आपके पास एग्जाम में बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आए तो आंसर होता है वंडरवॉल पे, जब मेल्टिंग पॉइंट पे एल्केन पे क्वेश्चन आए तो आंसर होता है क्रिस्टल लैटिक्स पे, और ये आते ही आते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में से अगर एल्केन में से उठाना हो हमें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ही उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन है, सीधा सीधा नहीं है। ठीक है, इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शन कहाँ आएगी? जब आइसोमर्स आएंगे। इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शन कहाँ आएगी? जब ऑड और इवन आएंगे। समझ आ रही? इसके अलावा बेटे सॉलिबिलिटी है, वो तो आपको पता है कि पोलर लाइक डिजोल्व लाइक, ये सारे नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, अब दो चीजें वाटर में डिजोल्व होती हैं, बताओ क्या क्या? सिर्फ वाटर में दो चीजें डिजोल्व होती हैं, एक जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले और दूसरा आयोनाइज कर जाए। ठीक है, मैंने बोला था पहले भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कि ग्लूकोज करता है, टूटता तो नहीं है वो, इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है, टूटेगा तो नहीं है, पर वो फिर भी डिजोल्व करता है। नमक क्यों पानी में घुलता है? क्योंकि वो टूट जाता है।
जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जिनमें एसिड बेसिस और सॉल्ट आ जाते हैं, वो सारे वाटर में डिजोल्व होते हैं क्योंकि वो आयोनाइज कर जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है, ठीक है। और जो वाटर में डिजोल्व करें विदाउट टूटे, वो कैसे डिजोल्व कर रहे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कर पाएगा, जिनके पास OH ग्रुप हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, पोलैरिटी हो, वही पोलर वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा। जिसके पास खुद ही पोलैरिटी नहीं है, पोलैरिटी क्या होता है, टग ऑफ वॉर जब चलती है, टग ऑफ वॉर में एक कमजोर है एक ताकतवर है, जैसे HCl में हाइड्रोजन कमजोर है, क्लोरीन ताकतवर है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव। तो ये जब वाटर में जाएगा डिजोल्व हो जाएगी, वाटर के पास भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ लिंक्स बना सकते हैं, तो ये डिजोल्व हो जाता है, HCl गैस वाटर में डिजोल्व होती है। मगर ये हाइड्रोकार्बन में कोई पोलैरिटी है ही नहीं, सारी ही कार्बन है, कोई खींचने वाला तो है ही नहीं, कार्बन से कार्बन क्या खींचेगी, कुछ नहीं खींचेगी, तो नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे, जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, टॉलवीन, ये सब ऑर्गेनिक के सॉल्वेंट होते हैं, सब नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में ही डिजोल्व होती है, समझ आ गई। तो हियर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म ही, नेक्स्ट लिख लो, यहाँ पे सॉलिबिलिटी आती है, वो यू कैन एक्सप्लेन योर सेल्फ, ठीक है। अब उसके बाद बेटे आपकी रह गई कॉन्फॉर्मेशन, जो एक तरह के आइसोमर्स थे, चलो डेफिनेशन लिख लो, द डिफरेंस In relative spatial arrangement, spatial space में the difference in relative spatial arrangement स्पेस में, हमने जब एक करे थे स्ट्रक्चरल, जिसमें स्ट्रक्चर चेंज था, एक करे थे स्टीरियो, स्टीरियो में हमने क्या किया था, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो क्या डिफरेंस है, स्पेस में अरेंजमेंट, किस लिए, विच अराइजेस बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, अब इसको समझो, इस पेन की तरफ ध्यान होना चाहिए जब समझ रहे हो। आपकी कंफर्मेशन सिर्फ इथेन की है सिलेबस में। अब इथेन की दो कन्फर्मेशंस हैं, ठीक है, इसको बेटे टू वेज में आप बना सकते हो, एक होता है 100 Hz प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और होता है एक न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब इसमें क्या पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। अब ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक कार्बन ये है, आप ये वाली कार्बन देख रहे हो, ये आपके पीछे आ रही है, ये कार्बन आप देख रहे हो, ये उसके पीछे वाली है, ठीक है, ये कार्बन आप देख रहे हो, ये उसके पीछे वाली है, ठीक है। अब ये इथेन है, तो इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो एक ये रहा लगा बेटे, एक ये रहा और एक ये रहा, समझ आ गई। अब पीछे की तरफ आ जाओ, इसके ऊपर भी 3 हाइड्रोजन लगे हैं। अब हो सकते हैं
कि एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ जा रहा हो और दो ऊपर, और ये यहाँ पे, ये अब्जर्वर देख रहा है, ये अब्जर्वर से दूर है, ठीक है, ये अब्जर्वर देख रहा है, ये अब्जर्वर से दूर है। अब डेफिनेशन में लिखा क्या है कि आपने स्पेस में अरेंजमेंट करी है एटम की डिफरेंट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता, ये वाला जो बॉन्ड है वो रोटेट कर सकते हैं। मान लो इस कार्बन को मैंने ऐसे ही पकड़ लिया, पीछे वाले को, तो पीछे वाले में जैसे अरेंज है वैसे ही है, ठीक है, पर ये बॉन्ड घुमाने से आगे वाले हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मैं 60 डिग्री पे घुमा दूं, समझ रहे हो, अगर ये हाइड्रोजन को मैंने, ये कार्बन को पकड़ा हुआ है, एक इधर हाइड्रोजन है, एक इधर हाइड्रोजन है और एक नीचे, और यहां पे क्या था कि एक ऊपर था, एक नीचे था और एक नीचे था। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो अब ये जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाले क्या चले जाएंगे, तो इसका दूसरा वे में कैसे बनाएंगे, ऐसे मैंने आगे वाले ही छेड़ा, अभी आप पीछे वाला भी कर सकते हो ऐसे, यू कैन डू फॉर द, अब ये यही बनाओगे आप, बनाओगे। अब आपके लिए लाइन बहुत बड़ी है, अगेन कार्बन एटम तो बहुत छोटे हैं, इतनी बड़ी लाइन तो होगी नहीं, छोटे छोटे एटम्स हैं वो तो बेटे, वो बहुत छोटे हैं। यू हैव डन कि इतने एटम्स आप कंबाइन करते हो तो थिकनेस ऑफ पेपर बनती है, तो बहुत छोटे हैं। दिस इज अ फॉर अवर कन्वीनियंट कि हमने इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ करी है, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, ये घुमा दिया, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन बिल्कुल, ये देखो इस हाइड्रोजन में, बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा, ये देखो बुक्स में, ये भी रॉन्ग नहीं है, आप ऐसे भी बनाओगे तब भी रॉन्ग नहीं है, एक आप थोड़े से वो है ना बुक्स की अकॉर्डिंग चलने वाले बच्चे, तो ये ऐसे भी बना सकते हो, आप वैसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन ये है बेटे, और पीछे वाला हाइड्रोजन ये है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे है, सेम ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब जैसे ग्रहण नहीं लगता तो एक के ऊपर एक ही आ जाता है, उसे क्या कहते हो आप, एक्लिप्स्ड। तो इसे, इस कंफर्मेशन को कहते हैं एक्लिप्स्ड, क्या है, एक्लिप्स्ड। जब एक कार्बन के हाइड्रोजन दूसरी कार्बन के हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे हो, तो वो कंफर्मेशन क्या स्टेबल होगी, नो, क्योंकि उसमें हिंड्रेंस होगी, आपने भीड़ बढ़ा दी, एक हाइड्रोजन के पीछे ही हाइड्रोजन लगा दी, तो वो कंफर्मेशन की एनर्जी इतनी कम नहीं होती, वो उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में वो ही अनस्टेबल है जिसमें एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब इस कंफर्मेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी है, दिस इज वेरी अनस्टेबल, तो फिर मॉलिक्यूल किसकी तरफ जाएगा, जो कि स्टेबल कंफिगरेशन, फिर मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो किसकी तरफ जाएगा, जो कि स्टेबल है, कि एक्लिप्स ना रहे, ग्रहण ना लगे, तो उस कंफर्मेशन को कहते हैं स्टैगर्ड, क्या कहते हैं वो, ये। अब बिल्कुल अगर ये हाइड्रोजन है तो दूसरा हाइड्रोजन यहां है, अगर ये ऊपर है तो ये नीचे है, इसे बोलोगे स्टैगर्ड कंफर्मेशन। ठीक है, अब ये तो सोर्स था, अबे न्यूमैन, न्यूमैन में जो फ्रंट कार्बन है उसको एक पॉइंट की तरफ माना जाता है, ठीक है। अब ये तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इन द केस ऑफ एक्लिप्स्ड ये जो पीछे वाला सर्कल है वो पीछे वाला कार्बन है, इसको खींच दो, ये मैंने कार्बन यहां खींच दिया, वो पीछे वाला है, और ये क्या हो गया अब आगे वाला, जो डॉट को आगे ले आया वो पीछे वाला हो गया, ये डॉट क्या है, आगे वाला, अब इमेजिनरी लाइन लगाओ, इसको ऐसे खींच के ले आओ, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको बेटे,
कि एटम बहुत छोटे हैं, तो ऐसे ही होते हैं, पास पास ही होते हैं, लाइन नहीं होती बीच में इतनी बड़ी, समझ आ गई। तो अब अगर ये हाइड्रोजन है, तो अगर एक्लिप्स है तो एक्लिप्स में हाइड्रोजन बिल्कुल पीछे, क्योंकि अब हम 3D तो बना नहीं सकते, थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन देखो बिल्कुल पीछे, मतलब होते क्या इनके बिल्कुल पीछे, समझ आई। अब अगर आपने स्टैगर्ड बनाना हो तो कैसे बनाओगे, बनाओ आप, ये आप खुद बनाओ, फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट कार्बन मानो, सर्कल पीछे वाला कार्बन मानो, तो अगर ये हाइड्रोजन यहां है तो पीछे वाला कहां होगा, अगर ये दोनों यहां लगे हैं तो पीछे वाले के कहां लगेंगे, लगाओ करो बेटे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन भी, अ ह्यूमन बीइंग भी, बस फर्स्ट कार्बन डॉट है, पीछे वाला सर्कल है, न्यू मैन में, सोर्स में दोनों पीछे वाला आप थोड़ा एंगल पे लगा देते हो, ड्रॉ आ रही है आप बेटे, अगेन आई एम सेइंग अपनी प्रैक्टिस किया करो, नो वन विल बी हेल्पिंग यू इन द एग्जाम, किसी ने 1 मार्क्स भी उधारा नहीं देना, सेल्फ अपने आप को एनालाइज किया करो कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, अगर हमें नहीं आता या आता भी है तो लिख लिख के ही आएगा, तो करा करो अपने आप, कोशिश किया करो, किसी ने अब आपके हाथ पकड़ के नहीं करवाने। अब इफ अगर मुझे इसकी स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन बनानी है तो क्या बनाएंगे आप, ये डॉट है, ये फ्रंट है, ये क्या हो गया पीछे वाला कार्बन, अगर फ्रंट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ऐसे लगे हैं तो बैक वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ऐसे लगेंगे, दैट इज अ स्टैगर्ड वन। ये नहीं, ये कंफर्मेशन ये नहीं कि स्टैगर्ड ही रहती है, ये कंफर्म ये भी नहीं कि एक्लिप्स ही रहती है, ये बनती कभी एक्लिप्स हो जाती है थेन, कभी स्टैगर्ड, ऐसे बेटे प्रोपेन भी ऐसे आप ब्यूटेन में भी करते हो, बट इन केस ऑफ योर CBSE सिर्फ इथेन की ही है, ठीक है, प्रमोद इज ऑल्सो देयर इन द क्लास, अब ये एनर्जी है, ठीक है, अब मान लो ये 0 डिग्री है, आपने 60 डिग्री पर घुमाया, देन 120 पे, देन 180 पे, मीन्स आप हर बारी 60 डिग्री एंगल रोटेट कर रहे हो, 60 60, तो पहले स्टेबल वाली लिखो, स्टेबल वाली ड्रॉ करो, यहाँ पे छोटा सा मॉलिक्यूल बनाते हुए, हाँ ऐसे बनाओ ना, छोटा सा ऐसे बनाओ, तो देखो स्टैगर्ड वाला, स्टैगर्ड वाले की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस वे में होगी, जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम, एनर्जी डायग्राम है, एनर्जी की कम होगी, आपने एंगल रोटेट किया, स्टैगर्ड से क्या बना, एक्लिप्स, जिसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होती है, वजह से 12.5 किलो जाउल पर मोल, ठीक है, तो यहां पे क्या बनाओगे आप, एक्लिप्स, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, एनर्जी क्यों ज्यादा है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, भीड़ भड़ाका ज्यादा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, तो यू विल ड्रॉ लाइक दिस,
क्यों हंस रहे हैं हम? ये नहीं पता हमें, ये समझो बेटे, मास्क डाल के तो बेटे समझने की कोशिश करोगे, किसी ने आपको समझाना नहीं है। मुश्किलों चेंज कर लो बेटे आप, यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड व्हेन सिटिंग इन द क्लास। आपने इसको बर्डन रखा हुआ है, एवरी टाइम यू आर सिटिंग लाइक दिस। समझ आ गई? फिर आपने एंगल पे घुमाया तो आपको क्या मिलेगी? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा? स्टेगर्ड। फिर क्या हो जाएगा? एक्लिप्स। ऐसे चलता रहता है। आपने कुछ नहीं लगाना, आपने ये समझना है कि एक्लिप्स और स्टेगर्ड में जो एनर्जी डिफरेंस है वो 12.5 का है। और एक्लिप्स से स्टेगर्ड कैसे बनती है? जब आप 60 डिग्री के एंगल पे रोटेट करते। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ग्राफ नहीं रटने बैठ के। रोल नंबर 13 इज कमिंग नाउ। अब यहां फिनिश हो जाता है बेटे एल्केन। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एल्कीन्स फ्रॉम टुडे ओनली। यू डोंट हैव मच टाइम। पहले मुझे था कि मैंने बेंजीन भी करवानी है, बट हाइड्रोकार्बन खत्म करके हम एक बार इजी भी चैप्टर रख लें आपके एग्जाम में। ये नौकी ऑर्गेनिक में बुरी हालत है। हाइड्रोजन कौन पूछता है? स्टेट सो मैटर करेंगे। स्टेट सो मैटर देखते हैं। चलो नेक्स्ट, राइट डाउन एल्कीन्स। अब एल्कीन्स में क्या क्या आएगा? पहले ब्रीफ लिखो। नॉमन क्लेचर, ये आपने घर जाके प्रैक्टिस करनी है आज। एल्कीन नॉमन क्लेचर, नॉमन क्लेचर, देन राइट आइसोमेरिज्म, जिसमें आप एक पोजिशनल करोगे, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करोगे, जैसे कि ब्यूटुइन ब्यूटवानीन, ठीक है, पेंटवानीन पेंटुइन पेंटुथ्रीन, जो भी बनेगा आपका, दैट इज अ पोजिशनल। स्ट्रक्चरल तो हो ही जाता है, सब में ही हो जाता है। आप जैसे मर्जी कार्बन एटम ब्रांचिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक, देन इम्पॉर्टेंट इज, जैसे इनमें कन्फर्मेशन इंपॉर्टेंट है, हियर इज इम्पॉर्टेंट इज ज्योमेट्रिकल। राइट डाउन ज्योमेट्रिकल विच वी हैव ऑलरेडी डन, ब्रैकेट में सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। सिस का था जब दे रिमेन टूगेदर सेम, ट्रांस इज एट द डिफरेंट साइड, जिसकी एनहांसमेंट आप करोगे जेईस में, ई एंड जेड। नेक्स्ट नेक्स्ट राइट डाउन, देन प्रिपरेशन विल बी देयर अगेन, प्रिपरेशन, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटे जो इस चैप्टर का ब्रीफ है, इनको यही नहीं पता होता क्या पढ़ना है। अब स्टार्ट करें बेटे, आइसोमेरिज्म हम बाद में पिक करेंगे, नॉमेनक्लेचर आप कर चुके हो। वी आर स्टार्टिंग विद, हालांकि हमने आइसोमेरिज्म भी कर लिया सिस ट्रांस, बट वी विल अगेन डू